तो दोस्तों जब हम घर खरीदने जाते हैं ना, तो हम हर एक बंदा आज के टाइम पे डिज़ाइन देख रहा है। हर एक चीज़ के डिज़ाइन मेरे को डिफरेंट मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपने मेन स्ट्रीम सी चीज़ें हैं बहुत देख ली हैं, सिंपल सी ग्रिल लगाई होती है, सिंपल से गेट लगाए होते हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ यूनिक मिलने वाली है, वो भी आपको 100 गज के विला में मात्र 80-85 लाख के अराउंड ये आपको विला मिलने वाला है। बाकी एग्जैक्ट जो हमारी प्राइसिंग है वो सारी मैंने नीचे मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से मेरा नंबर और प्राइसिंग हर एक चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे आयरन के मेन गेट की, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आयरन का गेट बनाया, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा इसका किया गया है। पार्किंग के स्पेस की बात करूँ तो आपकी दोस्तों इजीली यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक गाड़ी की पार्किंग आपको बाहर मिल जाती है। टू व्हीलर पार्किंग की बात करूँ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करूँ तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। मोटर लगाने के लिए, मोटर पंप के लिए प्रोविज़न दिया है। और अगर मैं एलिवेशन में बात करूँ ना दोस्तों, सिंपल बाहर यहाँ पे हमने टाइल्स का यूज़ जो है ज़्यादा किया है, क्योंकि इससे जो आपका एलिवेशन रहता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहता है। अगर हम बाहर ज़्यादा पेंट कर देते तो आपको हर एक ईयर, हर एक दो साल बाद ना आपको पेंट करवाना पड़ता, तो इससे आपका जो एलिवेशन की जो लाइफ है वो इससे बढ़ जाती है काफ़ी। हमने आप ऊपर तक देख सकते हैं, सारा हमने टाइल यूज़ करा है यहाँ पे। और बाहर से जो लुक आता है ना दोस्तों इस मिरर का, या ड्राइंग डाइनिंग का आपका बाहर का मिरर रहने वाला, आप देख लीजिए यहाँ से जो लुक आता है, आप जब कर्टन्स लगाओगे तो बाहर से विला का जो लुक है बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक हो जाता है। तो अभी मैं चलते हैं, बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, 3 BHK ये विला रहने वाला है, 2 बेडरूम 2 वॉशरूम नीचे रहने वाले हैं आपकी किचन और ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ, एक प्रॉपर 1 BHK आपको ऊपर बना हुआ है रूफ के साथ। बात करूँ सीढ़ियाँ की, तो हमने बाहर से सीढ़ियाँ निकाल दी हैं, मात्र 10 से 12 हज़ार का रेंट आप ऊपर के फ्लोर का ले सकते हो, जिसमें आपको EMI भरने में, अगर आप लोन करवाते हो तो EMI भरने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ रेलिंग की, जैसे मैंने बताया था हर एक चीज़ यूनिक लगी हुई है यहाँ पे, रेलिंग के बीच में भी हमने देखो वुडन का यहाँ पे सारा पार्टीशन करके दिया है आपको। आप हर एक चीज़ जब लाइव आके यहाँ पे विजिट करोगे ना, तो आपको काफ़ी इसका अलग एक्सपीरियंस होने वाला है इस किला का। अगर मैं बात करूँ गोल्ड स्विचेस की, तो सारे दोस्तों हमने गोल्ड मेडल के स्विचेस लगाए हैं, जो कम से कम 200-250 गज की कोठी में बिल्डर लगाता है। डेवलपर अच्छा होना चाहिए दोस्तों, मतलब विला हमने काफ़ी देखे होंगे, आपने भी एक्सप्लोर करे होंगे, मैंने भी काफ़ी आपको वीडियोस दिखाई होंगी, तो ये डेवलपर है थोड़ा काफ़ी अच्छा है, तो रोड का काम सारा इजीली यहाँ पे हो जाएगा। एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे एक शीट मिल जाती है, जो कि अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, अभी इस पर डिज़ाइन होने हैं, जैसे डिज़ाइन होते हैं आपको फर्निश मिलता है। तो आपको सबसे पहले मैं मेन दिखाऊँगा आपका गेट, जो काफ़ी यूनिक रहने वाला है, टीक वुड से बना हुआ ये सारा गेट है आपका। आप डिज़ाइन देख सकते हो, कलर देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे यूनिक मिलने वाली है। डिजिटल लॉक आपको यहाँ पे मिलने वाला दोस्तों, जिसको आप 2 या 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगी, आप इसे अनलॉक कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आप अपने विला के अंदर, जैसे ही आप विला के अंदर एंटर करते हो ना दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस में ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपके डाइनिंग एरिया की, सबसे पहले तो क्रोकरी पैनल के बिल्कुल साथ आपका डाइनिंग एरिया बना हुआ है, और साथ में बात करूँ मैं आपके जो आपकी डाउन सीलिंग है, तो दोस्तों डाउन सीलिंग आपकी ना बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है यहाँ पे। अगर मैं डाउन सीलिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे करी गई है, हर एक चीज़ आपको यूनिक यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। और सामने आपकी मैं बात करूँ POP वॉल की, तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे दोस्तों POP वॉल मिलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों ड्राइंग एरिया के स्पेस की बात करूँ, तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया में काफ़ी स्पेस है, आप 7 सीटर सोफा यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब स्पेस हमारे पास काफ़ी है, क्योंकि इसका जो प्लॉट साइज़ है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जो इसकी विड्थ है प्लॉट की वो काफ़ी अच्छी है, लंबाई में नहीं है, वो प्रॉपर चौरस प्लॉट है, तो जिसमें हमारे रूम साइजेस, हमारी किचन साइज, हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हमारी मॉडुलर किचन की तरफ, जो हमने बहुत ही यूनिक बनाई है आपके लिए। 100 गज में आपने दोस्तों पेंट्री तो नहीं देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। 100 गज के विला में हमने पेंट्री बना दी आपके लिए दोस्तों। मॉडुलर किचन की जो मटेरियल की बात करूँ ना दोस्तों, बड़ा अच्छा यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है, आपने आप देख सकते हैं सारे सॉफ्ट क्लोजर चैनल्स हैं, और इसकी जो मैं कलर कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगाए हुए हैं, टाइल्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो छोड़ी है आपके लिए दोस्तों, लाइटिंग के लिए विंडो, जैगुआर की प्रीमियम फिटिंग यहाँ पे साउंड प्रूफिंग के साथ लगा के दी है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो इसी के बिल्कुल साथ बना हुआ हमारा बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन में जो फर्स्ट बेडरूम है, जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो ना, आपको सबसे पहले वॉलपेपर देखने को मिलेगा, डाउन सीलिंग बड़ी प्रीमियम देखने को मिलेगी दोस्तों ऊपर, और साथ में आपको दोस्तों कबर्ड्स मिलेंगे जो फुल हाइट तक रहने वाले हैं, स्लाइडर कबर्ड्स हैं। इसमें आप दोस्तों चॉइस भी कर सकते हो, मतलब आपको सरमाइका का चॉइस है, कलर का चॉइस करना है, तो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन विलाज है, उसमें आपको हर एक चीज़ की चॉइस हो सकती है। और कबर्ड्स के अंदर की अगर मैं बात करूँ ना, हर एक तरह की यहाँ पर प्रोविजन दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे शू रैक भी आपको दिए हैं, ऊपर ब्लैंकेट वगैरह रखने के लिए भी दिए हैं। और LED पैनल की बात करूँ तो सेम इसी कलर का हमने LED पैनल यहाँ पर बना दिया आपके लिए।
बहुत प्यारा यहाँ पे डिज़ाइन निकल कर आया हर एक चीज़ का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूटिलाइज़ किया हर चीज़ को, हर एरिया को यूटिलाइज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने मिरर लगा हुआ है, तो ये आपने आपको आपका ड्रेसिंग एरिया बना दिया। यहाँ पे शेल्फ डाल दिया मिरर की, तो यहाँ आपको सामान वामान रखना है आप रख सकते हो। अटैच वॉशरूम मिलने वाला है बड़ा ही अच्छी लुक में, आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं नीचे जो फ्लोरिंग है ना सारी एंटी स्किड फ्लोरिंग यहाँ पे यूज़ करेगी, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका मतलब मज़ा आ गया व्हाइट कलर की मेरे को वॉशरूम देख के। वैनिटी आपको व्हाइट मिलेगी, मार्बल स्टाइल जो इस पे कलर किया गया है वैनिटी का, और साथ में आपको वॉल हैंगिंग सीट मिलेगी, जेगवार की प्रीमियम फिटिंग, फुल हाइट तक टाइल्स मिलेंगी। डाउन सीलिंग आपको दोस्तों वॉशरूम में भी मिलने वाली है। आइए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे वॉशिंग एरिया में। तो मैच डोर हमने सारे विला में लगा के दिए आपको हर एक चीज़ में। तो आप जैसे ही मैं वॉशिंग एरिया में एंटर करता हूँ ना, आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी है। नीचे भी हमने टाइल्स यूज़ करी हैं सारी, काफ़ी अच्छी ब्रांड की टाइल्स यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। पीछे की बात करूं तो विला टू विला जो है हमारा गैप हमने मेंटेन रखा है आपके लिए। जैसे आप देख सकते हैं रेलिंग करके दी हमने, और टू साइड ओपन जो है इसका फील पूरा है कि ऐसा लग रहा है हमारा जो विला है हमारा टू साइड ओपन रहने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों सेम हमारा सेकंड बेडरूम बना हुआ है, थोड़े से वॉलपेपर के डिजाइन चेंज है, थोड़े से कपबोर्ड्स के डिजाइन चेंज है, एलईडी पैनल का डिज़ाइन चेंज है, और वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम बनाया है। और इसकी सबसे मेन बात दोस्तों यहाँ पे ना सेकंड बेडरूम के साथ हमने पीछे वॉशिंग एरिया को प्रोविजन दी है, दी हमने बेसिकली विंडो है, बट इतनी बड़ी इतना बड़ा अच्छा साइज दिया है कि आप यहाँ से भी अपने वॉशिंग एरिया में एंटर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा ग्राउंड फ्लोर, अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK देखने। तो दोस्तों अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ हमारी फ्रंट बालकनी में। जैसा कि मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था कि डेवलपर बहुत अच्छे हैं, अभी रोड का काम जो है ना मतलब बैक टू बैक यहाँ पे चली जा रहा है। तो रोड यहाँ पे आपको बताया कि 10 से 15 दिन में कंप्लीट होने वाली है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सिटिंग स्पेस हमें मिल जाता है। एलिवेशन में मतलब बड़ी कमाल करी है यार, आयरन लगाया सारा मतलब बढ़िया। और डिजाइन मेन डिजाइन की बात होती है, और फ्रंट पे जो रेलिंग लगी है ना रेलिंग के साथ स्टील के साथ हमने यहाँ पे टफन आपके लिए लगा दिया है, तो काफी अच्छा यहाँ पे डिजाइन इसका बाहर से जो लुक आ रही है इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के जो मेन हमारा किचन एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे पेंट्री नहीं बनाई है, प्रॉपर 1 BHK की किचन बना दी आपके लिए। आप देख सकते हैं टाइल्स वायल सब सेम मटेरियल यहाँ पे यूज करा है। कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं ऊपर थोड़ा सा हल्का मटेरियल लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। हर एक चीज आपको यहाँ पे भी ब्रांडेड मिलने वाली है। और अभी मैं लेके चलता हूँ अरे थर्ड बेडरूम में, जिसको मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। दोस्तों मेरे को लग रहा है डेवलपर ने सारा पैसा ना इसी बेडरूम और वॉशरूम में लगा दिया। आप देख सकते हैं नीचे जो फ्लोरिंग है आपकी प्रॉपर वुडन कलर की फ्लोरिंग यहाँ पे मिलने वाली है, वॉल पर अच्छे मिलने वाले हैं, डाउन सीलिंग अच्छी मिलने वाली है, व्यू बाहर का रहने वाला है। दोस्तों जब ये सोसाइटी रेडी हो जाएगी, रोड्स पड़ जाएंगी, ग्रीनरी हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस रूम से आपका जो व्यू रहने वाला है ना दोस्तों, मतलब सेक्टर 33, सेक्टर 7-8, सेक्टर मतलब बड़े बड़े अच्छे सेक्टर्स का जो व्यू होता है ना वो यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारे कबर्ड्स की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हिडन और रूम के साइज से बिल्कुल अलग यहाँ पे कवर्स बनाए हैं, फुल हाइट तक पता ही नहीं लग रहा है यहाँ पे कवर्स हम, तो कितना अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग कितनी अच्छी है हर एक चीज की। दोस्तों अब रह गया आपका मेन वॉशरूम, मतलब सारा पैसा मेरे को लग रहा है इधर ही लग गया है वॉशरूम में। क्या कलर है दोस्तों इस कलर, टाइल्स का कलर देखिए आप, फ्लोरिंग का कलर देखिए, वैनिटी का डिजाइन देखिए दोस्तों, क्या हर एक चीज को मतलब शिद्दत से बनाया गया है यहाँ पे हर एक चीज को। तो इसी के साथ दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे बैक यार्ड में, जिसको हम ओपन रूफ भी बोल देते हैं, जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाली है। तो कुछ इस तरह की आपके रूफ मिलने वाली है, एक रूफ आपको ऊपर मिलने वाली है जहां पे आपके सारे वाटर टैंक्स रहेंगे, और साथ में आपको ऊपर सीढ़ियां भी मिलने वाली है। दोस्तों हमारा आज का 100 गज बना हुआ बड़ा ही लग्जूरियस विला, जिसका लोकेशन था 123 सेक्टर, प्राइम लोकेशन है, प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, डेवलपिंग एरिया है। इसको बाय करने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे विलास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं निखिल आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।